गुरु ज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा ये आर्टिकल भारत के जल संकट और महिलाओं की स्थिति से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। बदलते मौसम परिस्थितियों और बार बार सूखे की वजह से भारत जल संकट से जूझ रहा है और इस संकट की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। भारत में पानी की कमी की स्थिति और खराब होने की आशंका है, क्योंकि वर्ष 2050 तक कुल जनसंख्या के 1.6 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। जल संकट के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है, लेकिन भारत के पास दुनिया के फ्रेश वाटर संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है। हाल के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या बहुत गंभीर है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हाल के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों 2017 के अनुसार भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर के गंभीर या अत्यधिक दोहन की सूचना मिली है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुंच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं और हमारी प्रमुख नदियां प्रदूषण के कारण सूख रही हैं। जल संकट के कुछ कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति पानी की अपर्याप्तता। भारत में उपयोग करने योग्य पानी की कुल मात्रा 700 से 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। एक देश को जल तनावग्रस्त माना जाता है यदि उसके पास प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की मात्रा 1700 क्यूबिक मीटर से कम है। खराब पानी की गुणवत्ता। भारत में अधिकांश नदियों का पानी पीने लायक नहीं है और कई हिस्सों में तो नहाने लायक भी नहीं है। पानी की खराब गुणवत्ता शहरी जल उपचार सुविधाओं में अपर्याप्त और विलंबित निवेश का परिणाम है। इसके अलावा औद्योगिक अवशिष्ट मानकों को लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास अपर्याप्त तकनीक और मानव संसाधन है। घटती भूजल आपूर्ति। किसानों द्वारा अधिक दोहन के कारण भूजल आपूर्ति घट रही है। कुछ क्षेत्रों में कम बारिश के कारण भी भूजल कम हो रहा है। टिकाऊ खपत। कुएं, तालाब और टैंक सूखने की स्थिति में है, क्योंकि भूजल संसाधनों पर अति निर्भरता और निरंतर खपत के कारण उन पर दबाव बढ़ रहा है। पानी का असमान वितरण, प्रदूषण के कारण स्थानीय जल निकायों का दूषित होना, कमी और उचित जल उपचार सुविधा न होना आदि स्थितियां भारत में जल संकट को बढ़ा रही हैं। जल संकट के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हैं। महिलाओं की संवेदनशीलता। जल संकट महिलाओं को उच्च जोखिम के कारण संवेदनशील बनाता है। भारत में पानी लाना सदियों से महिलाओं का काम माना जाता रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं निकटतम स्रोत में पानी लेने के लिए मीलों पैदल चलकर आती हैं। स्वच्छता तक कम पहुंच। महिलाओं का हाशिए पर होना तथा उनके लिए विशिष्ट शौचालय की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। इस संपूर्ण व्यवस्था के कारण उन्हें जलवाहक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण उनके पास अपने लिए बहुत कम समय होता है। यह महिलाओं के लिए स्वच्छता, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच को और कम कर देता है। वाटर वाइफ। महिलाओं द्वारा समग्र जल प्रबंधन के चलते महाराष्ट्र के एक सूखाग्रस्त गाँव में विवाह की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। इसमें पानी इकट्ठा करने के लिए एक से अधिक जीवन साथी का होना शामिल है। व्यवस्था को वाटर वाइफ कहा जाता है। यह निसंदेह प्रगति प्रतिगामी सोच का एक उदाहरण है, जहां महिलाओं को पानी के पाइप या टैंकरों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में सरकार की कुछ पहलें हैं, जैसे जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान एवं अटल भूजल योजना। आगे की राह क्या हो सकती है, आइए नजर डालते हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने और दुनिया की आधी आबादी की क्षमता को अनलॉक करने में पानी, स्वच्छता
और स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित किया जाना एक महत्वपूर्ण चालक है। जल संकट महिलाओं का मुद्दा है और नारीवादियों को इस विषय पर बात करने की जरूरत है। पानी को दूषित होने से बचाने के लिए बाढ़ के जल स्तर को नदी के जल स्तर से काफी ऊपर रखने की आवश्यकता है। जैविक खाद्य वनों या फलों के ऐसे वृक्षों को लगाकर बाढ़ के मैदानों को सुरक्षित किया जा सकता है जो अधिक पानी की मांग या उपभोग नहीं करते हैं। जल प्रबंधन के निगमों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR प्रयासों का उपयोग करने के लिए नवाचार और जल संरक्षण तथा जल पुनर्भरण की दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।